एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास एट्थ है उसकी जो एक्सरसाइज चैप्टर सेवन है क्यूब एंड क्यूब रूट, उसकी एक्सरसाइज जो हमारी है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। 100 दे रखा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कुछ स्मॉलेस्ट मतलब छोटा नंबर ढूंढना है, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू अपटेन अ परफेक्ट क्यूब। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई स्मॉल नंबर ढूंढना है जिसके साथ जिसको हम इस नंबर के साथ 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, हमारे को तीन तीन के पेयर बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये 100 है, इसको हम 2 से ट्राई करते हैं, 2 5 जा फिर 0 जा फिर 2 के टेबल में 2, 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 5 जा 25। अब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 बन जा फिर 5 के टेबल में 5 बन जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे जो 100 हमारा आ गया है, इसके जो पेयर आए हैं 2 × 2 × 5 × 5। अब देखो 2 के भी पेयर हमारे 3 नहीं बन रहे, 2 का भी एक 2 कम है और 5 का भी देखो एक 5 कम है। इसका मतलब हमारे को अब, क्योंकि लास्ट तक तो इससे पहले तक तो हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें एक नंबर का पेयर बच रहा था, अब देखो 2 का भी एक 2 कम है और 5 का भी एक 5 कम है। इसका मतलब जो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा एक 2 भी चाहिए यहाँ पर, 2 और एक चाहिए 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10। तो 10 इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर, 10 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम 10 को, क्योंकि देखो 2 का पेयर नहीं बना था 2 लिख लिया, 5 का पेयर नहीं बना था 5 में एक कम था 5 लिख लिया, अब हमारे जो 10 आया है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, अगर हम 100 के साथ 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो नंबर हमारा आएगा वो क्या बन जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो सो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 10 आ गया, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें वीडियो के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पहले आप यूट्यूब में लॉगिन जरूर कर लीजिए, यूट्यूब में लॉगिन करने के बाद ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप लोग हाईर डेफिनेशन सेटिंग में जाइए, हाईर डेफिनेशन पर क्लिक कीजिए, HD में क्लिक कीजिए, आपको आपकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और मेरे इस चैनल में प्लेलिस्ट ऑप्शन भी है, आप लोग प्लेलिस्ट में चैनल में जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में अपने जो क्लास देखिए चैप्टर देखिए, आपको सारी वीडियो हैं उस चैप्टर की एक ही जगह पे मिल जाएंगी, आपको बार बार यूट्यूब में सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।